हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू लॉ में नलिटी ऑफ मैरिज का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी हिंदू लॉज के बेयर एक्ट अपने पास रखें। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि हिंदू मैरिज एक्ट कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज प्रोवाइड करती है, पर हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट ऐसी रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हैं मैरिज के केसेस में जो पार्टीज अवेल कर सकती हैं इन केस उनका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फिर उनकी शादी में कोई अनबन बाधा आ रही है। हमारे पास प्राइमरीली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में चार तरह के मैट्रिमोनियल रिलीफ्स या रेमेडीज हैं। फर्स्ट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसे हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड है नलिटी ऑफ मैरिज, थर्ड है डाइवोर्स, फोर्थ है जुडिशियल सेपरेशन। आज हम नलिटी ऑफ मैरिज की जो रिलीफ है उस पर बात करेंगे कि ये रिलीफ आपको किस सिचुएशन में मिल सकती है और कौन इस रिलीफ को अवेल कर सकता है। नलिटी ऑफ मैरिज से मतलब है कि एक स्पाउस जो अग्रीव्ड है अपनी मैरिज से, वो अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। वो ये डिक्लेयर करवा सकता है कि ऐसी मैरिज कभी हुई ही नहीं, ये मैरिज जो हुई थी वो बस नाम की मैरिज थी क्योंकि हमने कुछ सेरेमनीज परफॉर्म की थी, पर असलियत में ना तो हम हस्बैंड वाइफ का दर्जा रखते हैं ना ही हमारी मैरिज कोई मायने रखती है। तो ऐसी रिलीफ जो मैरिज को ही बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दे, जो मैरिज का वजूद सिंस उसकी इंसेप्शन से ही किल कर दे, ऐसी रिलीफ आपको कब मिल सकती है और इसे कौन अवेल कर सकता है, आज हम इसकी बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शादी के केस में दो तरह की बाधाओं का जिक्र करता है, जिन्हें हम इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं। इन्हें आप पूर्ण बाधा और ऐसी बाधा बोल सकते हैं, पूरे तौर से बाधा नहीं है लेकिन पार्टी चाहें तो इसका सहारा लेते हुए भी अपनी शादी को ख़त्म कर सकती हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट और एब्सोल्यूट ऑब्स्टेकल या फिर रिलेटिव इम्पेडिमेंट और रिलेटिव ऑब्स्टेकल। पहले हम शादी में जो एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स एब्सोल्यूट ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनकी बात करते हैं कि ये किन ग्राउंड्स पर आते हैं और इनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर हम बात करेंगे रिलेटिव बाधाओं की, रिलेटिव ऑब्स्टेकल्स इम्पेडिमेंट्स की, और इनके क्या ग्राउंड है और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपके जो एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स हैं, पूर्ण बाधाएँ जो हैं आपकी, वो सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट में ले डाउन की गई है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ सकते हैं। अगर अब आपने सेक्शन 11 को एक नज़र दे दी है तो आप पा सकते हैं कि यहाँ पर पांच तरह के इम्पेडिमेंट्स का जिक्र नहीं, सिर्फ तीन तरह के इम्पेडिमेंट्स का जिक्र है, पर हम पांच तरह के एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स का जिक्र करेंगे जो पूर्णतः एक शादी में बाधा बनती हैं। पहली है बिगमी, द्विविवाह। दूसरी है जब पार्टीज पिंडास टू ईच अदर हैं और वो मैरी कर लेते हैं। तीसरी है जब पार्टीज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में मैरिज कर लेती हैं। फोर्थ है जब एसेंशियल सेरेमनीज ऑफ मैरिज को परफॉर्म किए बिना ही मैरिज को सॉलमनाइज करने की कोशिश की गई है। और फिफ्थ है जब सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की वायलेशन की गई है। ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स, यानी कि ये पूर्ण बाधाएँ हैं एक विवाह को संपन्न होने के रास्ते में। हम बिगमी, स्पिंडा डिग्रीज, एसेंशियल सेरेमनीज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने पिछले लेक्चर में इनका क्या रोल है एक शादी में और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसी शादी करता है तो वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। हम डिस्कस करेंगे जब वायलेशन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट होती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसे हम पूर्ण बाधा क्यों बोल रहे हैं। आप एक बार अपनी वीडियो को पॉज करके सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को रीड कर लीजिए। सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट का आपको साफ तौर से बोलता है कि जब एक पार्टी को डाइवोर्स मिल जाता है दूसरी पार्टी से तो वो दोबारा शादी कर सकता है, प्रोवाइडेड जो डाइवोर्स की डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट कोई अपील ना हो, और अगर राइट टू अपील है तो ऐसी राइट टू अपील को एक्सरसाइज करने का टाइम ओवर हो गया हो, या फिर ऐसी राइट टू अपील थी और राइट टू अपील को एक्सरसाइज किया गया है तो ये अपील डिसमिस हो चुकी है। इस केस में एक आदमी या औरत जिसका अभी डाइवोर्स हुआ है
वो दोबारा से शादी कर सकता है। ऐसे केस में मैरिज जो सब्सिक्वेंट मैरिज होगी वो वैलिड होगी, पर अगर ऐसा नहीं है तो ये एक पूर्ण बाधा है आपकी दूसरी शादी में, और आपकी जो दूसरी शादी है वो वॉइड मानी जाएगी एज़ पर सेक्शन 11। तो हमने बेसिकली पांच ग्राउंड्स बताए हैं जो एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स हैं जो एक मैरिज को वॉइड मैरिज बनाते हैं, जिसमें से हम चार पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने पांचवा डिस्कस किया है। ये सभी ग्राउंड्स मिलकर अगर इनकी किसी की भी वायलेशन होती है तो एक मैरिज वॉइड मैरिज बनेगी। तो अब हम देखते हैं वॉइड मैरिज होती क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वॉइड मैरिज वो मैरिज है जो वॉइड अब निशो होती है, डैट इज़ कि वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिंस इट्स इंसेप्शन अपनी शुरुआत से ही एग्जिस्ट नहीं करती। उठ सकता है कि हम इसे मैरिज क्यों बोलते हैं अगर इसे मैरिज माना ही नहीं गया। ये इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि पार्टीज सेरेमनीज ऑफ मैरिज को परफॉर्म करती हैं, बट सिंस वो किसी और एस्पेक्ट से कैपेसिटी में लैक करते हैं टू मैरी, तो इसलिए हम उनको हस्बैंड वाइफ का दर्जा नहीं देते और इसे हम वॉइड मैरिज बोलते हैं। ऐसी मैरिज के ना तो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ना ही ऐसी मैरिज को फर्दर इन फ्यूचर रेटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जिसने पहले शादी कर रखी थी वो एक दूसरी बार फिर शादी कर लेता है तो ये बिगमी होगी, पर अगर वो फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दे देता है और फिर वो बोलता है अब मेरे सिर्फ एक ही बीवी है, तो ऐसी जो सब्सिक्वेंट मैरिज है उसको वो रेटिफाई नहीं कर सकता। वो उसे फिर से सेकंड बीवी से शादी करनी पड़ेगी दोबारा से शुरुआती तौर से, तभी सेकंड मैरिज सेकंड वाइफ के साथ एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी। वॉइड मैरिजेस के केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको डिग्री ऑफ नलिटी की ज़रूरत है, ऐसी डिग्री जो आपके मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा देती है, क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। इसका आंसर है कि ऐसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री में भी कोर्ट बस इतना ही डिक्लेयर करता है कि आपकी मैरिज शुरुआत से ही नल एंड वॉइड थी, ऐसी कोई मैरिज कभी हुई नहीं। इसलिए ऐसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट की डिग्री के कारण आपकी मैरिज नल एंड वॉइड नहीं हो रही है, ये उन पूर्ण बाधाओं के कारण आपकी मैरिज नल एंड वॉइड हो रही है जिसके बावजूद भी आपने विवाह को संपन्न किया। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में डिक्री लेना एडवांटेजियस है, जैसे कि सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है कि जब कोई कोर्ट कोई भी तरह की किसी भी तरह की एनी टाइप ऑफ डिक्री को पास करता है किसी पार्टी की पिटिशन के टाइम, तो वो उस डिक्री को पास करते समय पार्टी को मेंटेनेंस की रिलीफ भी दे सकता है। तो सेक्शन 25 में जो एनी डिक्री वर्ड है उसमें डिक्री ऑफ नलिटी के केसेस भी कवर होते हैं, इसलिए ये एडवांटेजियस है पार्टी के लिए जिस पार्टी ने मेंटेनेंस सीख करनी हो। ऑल दो वो लीगली वेडेड स्पाउस नहीं है वो भी सेक्शन 25 का एडवांटेज ले सकता है, पर उसके लिए उन्हें डिक्री ऑफ नलिटी चाहिए होगी। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि पार्टीज वॉइड मैरिज के केस में भी अगर उन्हें मेंटेनेंस चाहिए या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन चाहिए तो डिक्री ऑफ नलिटी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, डिक्री ऑफ नलिटी के लिए पिटिशन कौन फाइल कर सकता है। इसका आंसर है कि दोनों में से कोई भी पार्टी ये पिटिशन फाइल कर सकता है। हाउएवर, अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो दूसरी पार्टी को कोई राइट नहीं है ऐसी पिटिशन फाइल करने का। और लास्ट पॉइंट जो सेक्शन 11 के बारे में नोट करने वाला है कि ये कौन सी मैरिजेस पे अप्लाई होता है, तो इसका आंसर है ये पोस्ट एक्ट मैरिजेस, यानी कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब 18 मई 1955 को आया था तो उसके बाद जो मैरिजेस सॉलमनाइज हुई हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये सेक्शन 11 जो आपको रिलीफ दे रहा है या फिर सेक्शन 11 जो आपके मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर करा रहा है, ये सिर्फ उन्हीं मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है जो इन ग्राउंड्स पर खरी नहीं उतरती, प्रोवाइडेड दी मैरिज वॉज सॉलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब बढ़ते हैं रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स, रिलेटिव ऑब्स्टेकल्स की तरफ। ऐसी बाधाएं जो पूर्ण तौर से बाधाएं नहीं है लेकिन फिर भी बाधाओं का काम कर सकती हैं, इसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 12। आप वीडियो पॉज करके सेक्शन 12 पढ़ सकते हैं। अगर आपने सेक्शन 12 पढ़ लिया है तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर चार ग्राउंड्स के बेसिस पर एक मैरिज को अनल किया जा सकता है, जिसमें से पहला ग्राउंड है इम्पोटेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी कि प्रतिवादी की नपुंसकता। सेकंड है रिस्पोंडेंट्स इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि प्रतिवादी की सहमति देने की अक्षमता या फिर प्रतिवादी का मानसिक विकार। अगला है कंसेंट ऑफ द पिटिशन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स, यानी कि
जहाँ धोखाधड़ी के कारण याचिकाकर्ता की सहमति ली गई हो या बल के द्वारा याचिकाकर्ता की सहमति ली हो। नेक्स्ट है कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि शादी से पूर्व गर्भावस्था को छिपाना। तो ये चार ग्राउंड्स आपके रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स हैं, यानी कि जो बाधाएं तो हैं पर पूर्ण तौर से बाधाएं नहीं हैं। यहाँ सबसे पहले हम इम्पोटेंसी की बात करेंगे। इम्पोटेंसी का यहाँ मतलब है जहाँ कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ एक स्पाउस सेक्सुअल इंटरकोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने में असमर्थ है। इम्पोटेंसी को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल में आप ये कह सकते हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में या तो एक स्पाउस को डिफ़िकल्टी हो रही है या पेन हो रही है, और मेंटल में आप बोल सकते हो कि एक स्पाउस साइकोलॉजिकली और इमोशनली रेडी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। हाउएवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नोट करना कि अगर इम्पोटेंसी क्योरेबल है मेडिकल ट्रीटमेंट से या सर्जरी से, तो उस केस में ये इम्पोटेंसी का ग्राउंड राइज नहीं होगा। ऑल्सो मेयर बैरननेस और स्टर्लिटी यानी कि बांझपन भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए इम्पोटेंसी नहीं कहलाता, अगर वाइफ अदरवाइज केपेबल है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। जो हमारा सेकेंड ग्राउंड है रिलेटिव इम्पेडिमेंट में, मेंटल डिसऑर्डर, इसको हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सीधा फ्रॉड और फोर्स टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ पिटिशनर पे जंप करेंगे। यहाँ हम पहले फोर्स का मतलब समझेंगे। फोर्स का मतलब यहाँ पर किसी को या किसी पर दबाव डालना या फिर अवांछित प्रभाव डालना होता है। डैट इज फोर्स मीन्स कोअर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस, और केवल एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर आप किसी को परस्यूएट कर रहे हो, किसी को मना रहे हो या फिर कन्विंस कर रहे हो, इट विल नॉट अमाउंट टू फोर्स अनलेस एक्चुअल यूज और फिजिकल आप फोर्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप थ्रेट कर रहे हैं यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स के लिए। वैसे ही अगर फ्रॉड की बात करें तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट का होना ज़रूरी है, लेकिन हर तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉड नहीं बनेगी। फ्रॉड तभी हो सकता है अगर आपके जो मिस कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कोई मटेरियल फैक्ट है या फिर नेचर ऑफ सेरेमनी से रिलेटेड है। हम यहाँ पर कई एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पर फ्रॉड्स कमिट किए जा सकते हैं, जैसे कि जहाँ पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी मैरिज की, एक हस्बैंड की इंटेंशन नहीं थी मैरिज की, पर फिर भी ही वेंट अंडर और rather we can say went through the entire ceremony of marriage without any intention of being getting married, तो ऐसे केस में it will amount to fraud। वैसे ही अगर आप एक पार्टी की आइडेंटिटी ही छुपा दो, जैसे x y के पास जाता है और बोलता है मैं z हूँ, और जो y है वो उसी बहकावे में कि ये x जो है ये z है उससे शादी कर लेती है, या फिर कोई सीरियस डिजीज़ है किसी पार्टी को, कोई एज के रिगार्डिंग कोई किसी ने एज अपनी कुछ डिस्क्लोज़ की और बाद में वो कुछ और निकलती है, कोई रिलीजन या कास्ट किसी ने अपनी डिस्क्लोज़ नहीं की है और झूठ बोला है रिलीजन और कास्ट के बारे में और बाद में आपको पता चलता है, तो ऐसे केसेस में इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। इवन दीज डेज कुछ और चीज़ें भी फ्रॉड अमाउंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपका केस था अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने फाइनेंशियल स्टेटस और जॉब और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी अगर कोई डिटेल्स झूठी बताता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट ने बोला था कि इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। बढ़ते हैं फोर्थ रिलेटिव इम्पेडिमेंट की तरफ, जो कि है अगर आप अपनी अर्लियर प्री मैरिज प्रेगनेंसी को कंसील करते हैं, ये भी एक तरह से फ्रॉड ही माना जाएगा जहाँ पर आपने कोई चीज़ कंसील की है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि इसको फ्रॉड में ऐड क्यों नहीं किया गया। इसको फ्रॉड में ऐड ना करने का ये रीज़न है क्योंकि कभी सामने पार्टीज़ ये क्वेश्चन एक दूसरे से नहीं उठाती हैं कि क्या लड़की पहले से प्रेग्नेंट है। पार्टीज़ ज़्यादा से ज़्यादा किसी की एज, किसी की क्वालिफिकेशन कुछ पूछ सकती हैं, और अगर बदले में जवाब झूठा मिला तो हम उसे बोल सकते हैं फ्रॉड, पर कोई ये नहीं बोल सकता कि क्या आपकी लड़की पहले से प्रेग्नेंट है और सामने से एक झूठा जवाब मिलेगा, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसे हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया था। आपको फ्रॉड और फोर्स के केस में और प्री मैरिज प्रेगनेंसी के केस में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ऐसे केसेस में जो पिटिशन होगी मैरिज को अनल करने की, वो विद इन 1 ईयर ही सबमिट होगी कोर्ट में। और ये 1 ईयर कब से स्टार्ट होगा? ये 1 ईयर स्टार्ट होगा जिस दिन आपका जो फ्रॉड
या फिर प्री मैरिज प्रेगनेंसी का आपको पता लगा, या फिर जो आप पे फोर्स आपको कंपेल किया जा रहा था वो बंद हो गया कंपेल करने आपको, प्रोवाइडेड जब से ये एक साल की शुरुआत हुई है उसके बीच कोई मैरिटल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच। अगर ये रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स किसी शादी में पाए जाते हैं तो ऐसी शादी सीधे तौर पर वॉइड डिक्लेयर नहीं की जाती है। सेक्शन 12 इनको वॉइडेबल मैरिजेस का दर्जा देता है। वॉइडेबल मैरिज हमारा मतलब है कि ये मैरिजेस परफेक्टली वैलिड है जब तक इन्हें कोई भी स्पाउस अवॉइड ना करवाए और कोर्ट के थ्रू अनल ना करवाए। अगर कोर्ट इन मैरिजेस को अनल कर देता है और नलिटी की डिक्री पास कर देता है तो ये जो डिक्री है ये इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलेगा, डैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज ये माना जाएगा कि ऐसी कोई मैरिज नहीं हुई थी। सेकेंडली आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सेक्शन 12 के बारे में वो ये है कि ये दोनों तरह के मैरिजेस पे अप्लाई होता है, प्री एक्ट मैरिजेस और पोस्ट एक्ट मैरिजेस, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले जो मैरिजेस सॉलमनाइज हुई थी और आने के बाद भी। और यहाँ भी सेक्शन 11 की तरह आप कोई भी पार्टी पिटीशन फाइल कर सकती है और अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो दूसरी पार्टी पिटीशन नहीं फाइल कर सकती। नलिटी ऑफ मैरिज का टॉपिक आगे भी कंटिन्यू रहेगा, आगे हम इसे पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे और कंक्लूड करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर और MCQs की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।